एचईसी की बदहाली के पीछे एक लंबा इतिहास है। दुनिया बदल रही थी, तकनीकी बदल रही थी, तब लोगों ने इसमें कोई बदलाव नहीं किए और इसे एक बदहाली का नमूना बना दिया। अब उद्योग धंधे, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, यदि सक्षम रूप से चलेंगे तो चलेंगे, अथवा उन्हें बंद होना ही है। इस सरकार की भी नीति है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, और ये बहुत स्पष्ट नीति है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान स्थिति को स्वीकारते हुए मजदूरों को हड़ताल नहीं करना चाहिए और कम से कम इस स्थिति में रखें कि कोई दूसरा निवेशक इसमें निवेश करके इसको एक नई ज़िंदगी दे सके, एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। मुझे विश्वास है कि यदि कोई नई तकनीकी नई निवेशक आएंगे तो वो उसे इस को फिर से झारखंड का एक गौरव बना सकते हैं। जहाँ तक झारखंड सरकार का सवाल है, उन्होंने अपने कई अरबों के नए सचिवालय वगैरह की योजना बनाई है। मेरा तो सुझाव होगा कि जो सचिवालय चल रहे हैं और भी एचईसी से कुछ सुविधा लेनी हो तो ले लें, लेकिन उसे कुछ आर्थिक मदद कर दें ताकि एचईसी भी चलता रहे, सरकार भी चलता रहे और जो नई खर्च करने की बड़ी बड़ी योजना है वो सफ़ेद हाथी ना पालें। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।